माधोपुर से विश्वेंद्र रेंडायल की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व प्रसिद्ध सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्धि बाघिन एरोहेड की बेटी बाघिन रिद्धि T-124 को जल्द ही सरिस्का भेजा जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार एवं NTCA द्वारा मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि बाघिन एरोहेड की दो बेटियां हैं, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि। बाघिन एरोहेड की दोनों ही बेटियां युवा होने के साथ ही अपनी टेरिटरी बनाने के लिए अग्रसर है, जिसके चलते विगत कुछ समय से दोनों बहनों के बीच कई मर्तबा आपसी टकराव हो चुका है। ऐसे में दोनों बाघिन बहनों के बीच होने वाली आपसी टकराव को टालने के लिए वन विभाग द्वारा दोनों में से एक बाघिन को अन्यत्र शिफ्ट करने को लेकर मुख्य वनजीव प्रतिपालक को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर मुख्य वनजीव प्रतिपालक द्वारा एक प्रस्ताव केंद्र सरकार और NTCA को भेजा गया। मुख्य वनजीव प्रतिपाल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार और NTCA द्वारा स्वीकृत करते हुए बाघिन T-124 रिद्धि को सरिस्का शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। रणथंभौर के CCF टिकमचंद वर्मा का कहना है कि केंद्र और NTCA द्वारा बाघिन रिद्धि को शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी राज्य सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के साथ ही बाघिन रिद्धि को सरिस्का शिफ्ट किया जाएगा। CCF ने बताया कि वर्तमान में बाघिनी रिद्धि रणथंभौर के मालिक तालाब मंडूप एरिया में विचरण करती है। बाघिन के सरिस्का शिफ्ट होने से दोनों बहनों के बीच आए दिन होने वाला टकराव समाप्त होगा।